एनसीईआरटी पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पर lakshya.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। How do organisms reproduce? बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर, और जिन्हें नहीं समझ में आता है उनका भी ये फेवरेट चैप्टर है as you always do. But ये जो पहला पैराग्राफ है ना, यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये वाला डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज वाला, चाहे जो भी हो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही, क्योंकि ये साइड में मैंने हर एक चीज तुम्हारे लिए नोट कर ली है। यानी कॉन्सेप्ट भी समझेंगे बिल्कुल कंसाइज मैनर में, और क्या क्या एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट है वो सब भी समझेंगे, एक्टिविटीज भी समझेंगे, यानी कुछ भी मिस नहीं होने वाला। और ये सब कुछ सिर्फ 30 मिनट्स में, जैसे बाकी सारे चैप्टर्स किए ये भी खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो रिप्रोडक्शन, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमने जितने भी लाइफ प्रोसेस देखे थे उनमें तो रिप्रोडक्शन नहीं था। यानी एक इंसान को, एक इंडिविजुअल इंसान को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, फिर भी हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? तो अगर ये पूछा जाए इसके रीजंस ये रहे, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, तो वो एक इंडिविजुअल इंसान के लिए जरूरी नहीं है, स्पीसीज के लिए जरूरी है। जैसे तुम एक इंडिविजुअल इंसान हो, ठीक है, बट ढेर सारे ह्यूमंस क्या हैं, ह्यूमंस एक अपनी स्पीसीज हैं, लायंस एक अपनी स्पीसीज हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, बट स्पीसीज के लिए जरूरी कैसे है? नंबर वन रीजन, मेंटेनिंग अ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर आज ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ह्यूमंस कैसे आएंगे, तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। सेकंड, फॉर इवोल्यूशन, ताकि इवोल्यूशन होता रहे। थर्ड, अभी इवोल्यूशन क्या है हम आगे समझेंगे। फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज मेंटेन होता रहे। देखो क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में चाहे ह्यूमंस हो, लायंस हो, डियर्स हो, सब में डेथ होती रहती है, तो अगर बर्थ भी कंटिन्यूटी के साथ होता रहेगा तभी मेंटेनेंस हो पाएगी पॉपुलेशन की। एंड फोर्थ रीजन, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इट्स एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना, जैसे डायनासोर गायब हो गए, कई सारे जानवर और एक्सटिंक्ट हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि ये मेंटेनेंस नहीं हो पाया पॉपुलेशन साइज का, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। देन यहां पर देखो कि क्या जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, जैसे ये तुम्हारे पापा जी हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, और ये तुम्हारी मम्मी जी हैं, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो ये हमेशा खुश हैं। क्या इन्होंने तुम्हें बनाया जो, क्या तुम एक एग्जैक्ट कॉपी हो, बिल्कुल सेम अपने मम्मी पापा के? नहीं। क्यों, कैसे, क्या, ये सब कुछ छुपा हुआ है डीएनए में, न्यूक्लियस में, सेल में, और वो यहां पे समझो तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि क्या है। तो देखो ये जो आउटर सर्कल है, ये आउटर वाला सर्कल, ये क्या है, सेल। फिर उसके अंदर ये गोला जो येलो कलर का है, ये क्या है, न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, हम सबको पता है। बट न्यूक्लियस के अंदर देखो ये जो रेड कलर है, ये होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे ही होता है डीएनए, जो कि एक प्रोटीन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो अगर ये क्रोमोसोम है इस तरह का, ये रेड वाला क्रोमोसोम है, तो उस पे ही होता है डीएनए। अब जब भी सेल डिवीजन होता है, जल्दी से सिंपली समझो बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस है ये, देखो बाहर बना देता हूं मैं सेल, चलो तुम्हारे लिए बाहर ये बना दी मैंने सेल, ठीक है, इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। अब ये क्रोमोसोम डिवाइड होगा इस तरह से, एक दो, दो में डिवाइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कॉपी बना लिया। देखो एक स्ट्रैंड ये था, एक स्ट्रैंड ये था, ये अपनी कॉपी बना लिया, ये अपनी कॉपी बना लिया, तो दो बन गए। फिर याद रखना कि एक लिमिटेड नंबर, यानी एन टू एन इस तरह से टर्म्स आगे देखोगे कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में रह सकते हैं, तो अब इनको अगर सर्वाइव करना है तो डिफरेंट सेलुलर पैटर्न चाहिए होगा, मतलब कि अलग अलग सेल चाहिए, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये देखो सेल का भी डिवीजन हो गया, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, इसको क्या बोल रहे हैं, डॉटर सेल्स विथ डिफरेंट सेलुलर अपैरेटस। बस इतनी सी बात यहां पे समझाई गई थी, ये यहां तक जो हमेशा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता है। ये आएगा इंपॉर्टेंट कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये एग्जांपल लिखना है। इमेजिन करो कि एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, टेम्परेट वाटर में रह रही है। अब अगर उस वाटर में, टेम्परेट वाटर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब मान लो सारे बैक्टीरिया उसमें सेम है, एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया पॉन्ड या फिर एक टेम्परेट वाटर, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं, एक दो तीन, और एक मान लो, दो मान लो अलग है, तीन सेम है, तो इनमें और इनमें वेरिएशन है, इनके पास अगर कैपेबिलिटी नहीं है हाई टेम्परेचर में सर्वाइव होने की, तो ये मर जाएंगे, किल्ड,
बट ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये है वेरिएशन की खासियत कि अगर आप दूसरे से अलग रहोगे तो आपकी चांसेस ज्यादा हैं सर्वाइवल के। देखो यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट, जिनके पास वो क्षमता है हीट सहने की, बर्दाश्त करने की, वो सर्वाइव करेंगे और आगे ग्रो करेंगे। तो इसलिए वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। यहाँ पे लिख दो What is importance of DNA copying? DNA copying का क्या importance है reproduction में? फिर why is variation beneficial to species but not necessary for individual? ध्यान से लिख देना। एक और example अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो एक pond ले लो, मान लो उसमें fish है, ठीक है। अब चार पांच fish एक तरह की है but कुछ fishes different type की हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं अलग अलग type के grains। मान लो कोई दाल डाल के चला जा रहा है और कोई चावल डाल के चला जा रहा है। अब जो ये ढेर सारी सेम स्पीसीज हैं, ये सिर्फ दाल खाती हैं, ठीक है। अगर मान लो ये भी दाल खा रही होती तो बहुत कंपटीशन होता और कुछ ही जिंदा रह पाती, बट ये डिफरेंट वाली अगर चावल पे सरवाइव कर जा रही है, वेरिएशन है इनके अंदर, तो चांसेस हैं कि दोनों की कुछ कुछ मेंबर सरवाइव कर लेंगे। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए लंबे टाइम तक। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां बस एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान काफी है रिप्रोडक्शन करने के लिए, नए ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। जैसे एक्टिविटी 8.1 में 10 ग्राम शुगर हमने डिजोल्व किया 100 ml वाटर में, फिर 1, 2, 3 ये सारी चीजें की पढ़ लो। फिर क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ईस्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक्टिविटी 8.2 में क्या देखा, जब ब्रेड को हमने छोड़ दिया तो उसमें दिखे हाइफे ऑफ ब्रेड मोल्ड, ये अपनी स्क्रीन पे देखो ऐसा ब्रेड मोल्ड ग्रो होता हुआ दिखेगा। ये सारे क्या है, ये सारे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है पता है, स्प्लिटिंग यानी बट जाना। अब द फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन, देखो सेल डिवीजन स्प्लिट होना, सेल डिवाइड होना लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जैसे एग्जांपल ये देखो, ये एक सेल थी, ठीक है, सिंपल वन लिख रहा हूं, यानी यूनिसेलुलर सेल है, यूनिसेलुलर सेल है, वन यूनिसेलुलर सेल है, बट यहां पर क्या हो गया, डिवीजन हो गया और एक दो, दो में बट गई। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, मतलब कि दो में बट गया, वन टू, दो डॉटर सेल्स बन गई। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही बने, कई बार अलग अलग सेल्स बनती हैं। अमीबा में याद रखना कि ये जो स्प्लिटिंग है टू सेल्स की, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे देखो यहां पर ये इस तरह से कट गया, देखो इस तरह से कट गया ना, दो में बन गया। ये ऐसे भी कट सकता था, ऐसे भी, किसी भी प्लेन से कट सकता है। बट अगला एग्जांपल जो है लिशमेनिया, यहां पर एक प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से ही अपना जो डिवीजन है वो होता है, स्क्रीन पे तुम्हारी दिख रहा होगा। चलो आगे आओ, अगला एग्जांपल क्या है फिजन का, हमने अभी तक देखा बाइनरी फिजन यानी दो में बढ़ जाना, बट अब देखते हैं मल्टीपल फिजन यानी कई सारे ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाना। एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम, ये क्या होता है, डिवाइड इंटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली, एक बार में कई सारी डॉटर सेल बनती हैं। यहां पे देखो मल्टीपल फिजन इन प्लास्मोडियम, कई सारी सेल्स दिख रही हैं ग्रीन ग्रीन कलर की, तो कई सारी सेल्स बन जाती हैं और फिर ये अलग 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 होकर ढेर सारी डॉटर सेल्स बन जाती हैं। फिर एक और एग्जाम्पल है ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स। ईस्ट क्या करता है, स्मॉल बर्ड निकालता है जो सेपरेट होती हैं और नई आइडेंटिटी में ग्रो जाती हैं। स्क्रीन पे देखो अपने दिख रहा होगा क्लियरली। नाउ बर्डिंग हमने देख लिया, सॉरी बाइनरी फिजन हमने देख लिया, फिजन हमने देख लिया, बाइनरी मल्टीपल दोनों। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखो अपने स्क्रीन पे एक पिक्चर, ये क्या है स्पाइरोगिरा, ये क्या है स्पाइरोगिरा, इसमें कैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ध्यान से देखो, इस तरह से बढ़ गया, एक 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 कट गया और वो सारी अपनी न्यू आइडेंटिटी, न्यू इंडिविजुअल में बन गए। चलो स्पाइरोगिरा में हमने ये जो फोटो दिखाई, कोई बी के लिए होगा जो नोट्स मिस करेगा, क्योंकि ये फोटो नोट्स की थी और ऐसी कई इंपॉर्टेंट चीजें हर चैप्टर के नोट्स में डली हुई है, फ्री ऐप पढ़ लक्ष्य पे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ आओ जरा देखो एक बार, एक बात बताओ कि ये जो स्पाइरोगिरा था ये टूट गया स्मॉलर पीसेस में और सारे पीसेस नए इंडिविजुअल में बन गए, तो क्या ऐसा सब में ऐसे होगा? नहीं, सब में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर चीज का स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ब्रीथिंग के लिए, सब कुछ के लिए। उसी तरह रिप्रोडक्शन के भी लिए भी अलग प्रोसेस है। तो क्या, किस तरह से होता है, हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप टू द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंटेनिंग ऑफ मैनी सेल टाइप। क्या एक सिंगल सेल से कैसे एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ढेर सारी सेल्स का, जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होंगे? तो देखो उसके लिए जो एक सिंगल सेल हम यूज कर रहे हैं वो कैपेबल होने चाहिए ग्रो करने की और आगे डिफरेंट सेल टाइप्स में बदल जाने की। अभी हम आगे समझेंगे यार। अगला पहले समझ लो रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है यार, देखो कई बार क्या होता है कि मैनी फुल्ली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ये अपने कुछ पार्ट से, बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है।
अब इस इंडिविजुअल को न्यू बॉडी पार्ट बनाने के लिए, न्यू ऑर्गन बनाने के लिए, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, अरे यार नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो ये अपने स्क्रीन पर देखो बिल्कुल क्लियर, ये पहले एक ऑर्गेनिज्म था, इसको फिर क्या हुआ कट हो गया, ये किसी रीजन से एक दो दो बार कट लगा तो 1, 2, 3 तीन पार्ट में कट हो गया। अब ये देखो तीनों पार्ट ग्रो हो जाएगा नेचुरली और तीन ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। बट क्या हम रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि रीजनरेशन इज कंडीशनल। हर बार हम इस कंडीशन पे नहीं बैठे रहेंगे कि कोई आए और ऑर्गेनिज्म को काट दे तब ग्रो हो, यही लिखा है। However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not be normally depend on being cut to be able to reproduce. Now, अगला देखो, अगला asexual reproduction, budding. Organisms such as hydra use regenerative cells. यहाँ पे क्या है? कुछ cells ही ऐसी हैं जो regenerative है, मतलब वो नए organism को generate कर सकती हैं. In hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. देखो यहाँ पे देखो, ये है हाइड्रा, ठीक है, पेरेंट बॉडी है ये हाइड्रा। अब इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ये बड क्या करता है, इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये क्या होता है, ये पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये देखो, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, समझ गए? चलो, और ये जो बड था इसमें क्या होती है, रीजनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं। नाउ नीचे आओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अब, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? जब भी कोई एक प्लांट का कुछ पार्ट, जैसे कि ऊपर तो हमने देखा हाइड्रा में ना कि एक पार्ट स्पेसिफिक साइट नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा था, यहां पर जब कोई प्लांट के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, कोई भी पार्ट हो, वो अगर एक नया, एक किसी भी मेथड से एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कितने टाइप का होता है यहां पर हम समझेंगे, देखो अपने सामने देखो जल्दी, ये सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये क्या होता है, एग्जाम्पल है बायरोफिल्लम, स्क्रीन पे देखो, इस तरह के नॉचेस होते हैं लीफ की मार्जिन पे, जब ये गिरते हैं ना सॉइल में तो एक नया प्लांट बन जाता है। फिर कटिंग, कटिंग क्या है, अ पीस ऑफ स्टेम, रूट, लीफ और इवन अ बल्ब स्केल इज प्लेस्ड पार्शियली अंडर मॉइस्ट सॉइल। कुछ पीस होता है, पार्ट होता है, उसको मॉइस्ट सॉइल में डालो, मॉइस्ट सॉइल यानी कि पानी वाले सॉइल में डालो और वो नया ऑर्गेनिज्म में, नए प्लांट में ग्रो जाता है, जैसे एग्जाम्पल रोज। फिर लेयरिंग क्या है, रोज डे तो वैसे चल ही रहा है तो तुम्हें रोज का तो मालूम होगा, बट लेयरिंग का भी सुन लो, अ पार्ट ऑफ स्टेम, यहां पे स्पेसिफिकली स्टेम की बात हो रही है, ठीक है, स्टेम इज पुल्ड आउट एंड बरीड इन द सॉइल, द लेयर्ड स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, एग्जांपल पुदीना। ग्राफ्टिंग अगला है अपना मेथड, इसमें क्या है, दो पार्ट लिए जाते हैं डिफरेंट प्लांट से, दो पार्ट डिफरेंट प्लांट्स लिए जाते हैं, ज्वाइन किया जाता है, बांध दिया जाता है उसको और दैट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, एग्जांपल इज शुगर केन। चलो अब इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या क्या फायदा है, नंबर वन फायदा देखो क्या है कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन प्रोच फ्रॉम सीड्स, जो सीड से नॉर्मली उगाए जाते हैं प्लांट उनसे जल्दी इसमें फ्लावर और फ्रूट बन जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। फिर ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो हमें अगर बिल्कुल सेम प्लांट चाहिए, अरे मान लो अगर मार्केट में सेल करने के लिए एक प्लांट है, हमें बिल्कुल इसी क्वालिटी का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनाएंगे जो कैसा होता है, जेनेटिकली सेम, तो यानी कि सेम क्वालिटी का एक अगला प्लांट हमारा बन जाएगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का। और थर्ड ये है कि ये सीडलेस होता है, इसमें सीड की जरूरत कहाँ है, स्टेम कभी काट दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी लीव्स को सॉइल में लगा दे रहे हैं, जैसे सीडलेस प्लांट्स में भी हेल्प करता है ये बनाना और ऑरेंज। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन फीचर्स तुम्हें लिखने होंगे एज अ बेनिफिट। नाउ एक्टिविटी 8.5 में तुम देखोगे कि जब पोटैटो पुराने रख दोगे कुछ नॉचेस दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बड्स, और कौन से फ्रेश ग्रीन शूट्स और रूट्स निकालते हैं, कौन से पोटैटो, जिसमें ये बर्ड्स पाए जाते हैं। चलो वही आ गया अपना एग्जांपल बायरोफिलम का विद बर्ड्स, यहां पर इस तरह से बर्ड्स होते हैं जो गिरते हैं, फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। नाउ 8.6 एक्टिविटी खुद से पढ़ लो, बहुत ईजी एक्टिविटी है, हम समझते हैं और टिश्यू कल्चर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है। क्या किया जाता है इसमें, यहां देख लो नंबर वन स्टेप कि ये जो टिप होती है, ग्रोइंग टिप, वहां से सेल्स निकालते हैं, फिर उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं फॉर डिवीजन, ये क्या लिखा है, फॉर डिवीजन टू बिकम कैलस। कैलस क्या होता है, एक सेल जो डिवाइड हो चुकी है काफी बार, जो अब उसको हम उस कैलस को किसमें डालेंगे, अगले अपैरेटस में, जहां पे क्या होगा, कुछ हार्मोन्स होंगे ताकि वो प्लांटलेट्स में, छोटे छोटे पौधे में कन्वर्ट हो जाए, और जैसे ही पौधे में कन्वर्ट हुआ उसको हम सॉइल में डाल देंगे कि कंप्लीट प्लांट बन जाए। ये पूरा प्रोसेस को, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। यहां पर देखो समझाया गया है कि
सबसे पहले सेपरेट कर लो सेल्स टिप से, फिर उसके बाद कैलस बना लो, फिर कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम। अनदर मीडियम में क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, ग्रोइंग हॉर्मोन, जिससे जल्दी जल्दी ग्रो करे। फिर जब प्लांटलेट्स बन जाए तो उसको सॉइल में लगा दो। इससे होता क्या है, एक डिजीज फ्री कंडीशन में प्लांट उगाया जा सकता है। नेचुरली उगाओगे तो हो सकता है उसमें कीड़े लग जाए, कुछ और हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, बट इस तरह से उगाओगे तो डिजीज फ्री कंडीशन में उगेगा। यूजली यूज होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। स्पोर फॉर्मेशन क्या है ये भी देख लो, यहाँ स्क्रीन पे देखो, राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेड मोल्ड में। अब दीज आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड, ये दिख रहा है, ये पूरा, दीज आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन द अदर हैंड द टिनी ब्लॉब ऑन स्ट्रिक आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये जो ऊपर है ना स्पोर्स, ये ब्लॉब, ये होते हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम्पल राइजोपस। चलो अब द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे ग्रो इनटू कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर। होता क्या है ना यार, देखो मैं तुम्हें अगर समझा ही देता हूँ यार, यहाँ पे स्पोर्स जो होते हैं ये निकलते हैं, फिर ये कवर्ड होते हैं कवरिंग के साथ, जब तक एक सूटेबल जगह पर नहीं आते, चाहे वो मॉइस्चर वाला सॉइल हो या कुछ और हो, जब तक वहाँ नहीं गिरते तब तक कवर्ड रहते हैं। गिर गए फिर उसके बाद वहीं पर जनरेट हो जाते हैं। चलो आगे आओ, जितने भी मोड्स हमने पढ़े इसमें सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व था, यानी कि ये था एसेक्सुअल। अब हम पढ़ेंगे तुम्हारा फेवरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट बिफोर मूविंग टू दैट ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नाउ कुछ देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बढ़ते हैं कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों चाहिए भाई? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, बट एसेक्सुअल में क्या हो सकता है वेरिएशन, वही सेल है, थोड़ा वर्क रेप्लिकेशन हुआ तो सेल डिविजन में जो थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है सेल डिवीजन रेप्लिकेशन डीएनए का, उस वजह से वेरिएशन आती है। बट अगर सोचो ये एक सेल से बन रही ना, अगर सोचो एक सेल दो सेल डिफरेंट सेल हैं, ठीक है, डिफरेंट फोर फादर्स की सेल हैं, ये आपस में कंबाइन करके एक बनाए, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन हमें चाहिए, इसीलिए आया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे और क्या होगा, आओ यहां पर समझो। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक होगा मेल, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से दिखाया है, एक मेल सेल एक फीमेल सेल, और ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये कौन सी सेल है, जर्म सेल ये भी, ये पूरी कैपेबल होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने में। तो ये एन मैंने क्यों लिखा है, याद रखना एन जहां पर लिखा हो वो होता है हैप्लॉयड, यानी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और टू एन डिप्लॉयड, तो ये हैप्लॉयड है, यानी कि हाफ होते हैं नेचुरली, तो ये जब हाफ और हाफ मिलते हैं, तो जब ये आपस में मिलकर बनाते हैं ना टू एन, तो ये डिप्लॉयड बनता है जो रह सकता है। मैंने तुम्हें ऊपर समझाया था ना कि डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रह सकते हैं एक साथ, तो जब ये बनता है पूरा तो ये 2n रहता है, जो पॉसिबल है क्योंकि ये पहले से n है। अगर मान लो ये भी 2n होता, ये भी 2n होता, तो जर्म सेल है तो ये 4n हो जाता, तो ये पॉसिबल ना हो पाता रहना, फिर इसको भी सेलुलर अपैरेटस डिफरेंट बनाना होता। बट नेचर ने बना रखा है कि जर्म सेल्स हैप्लॉयड हैं, और जब मिलती हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनाती हैं। क्या कैसे सब कुछ आगे समझते हैं, अच्छा ठीक है समझ गया। सबसे पहले प्लांट्स का केस समझेंगे, अरे फिर एनिमल्स पे आ जाएंगे यार, ह्यूमंस पे आ जाएंगे, इतनी क्या एक्साइटमेंट है। पहले प्लांट्स का समझ लो, फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, जिनमें फ्लावर होता हो, और जिसमें फ्लावर होता है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट इजिली करते हैं। जैसे यहां पर देखो एक सेक्शन, ये है स्टेमेन, एंथर ऑफ फिलामेंट यानी मेल पार्ट, फिर ये है पिस्टिल फीमेल पार्ट, इसमें क्या है स्टिग्मा ऊपर वाला स्टाइल, ये जो लाइन आ रही है ये लाइन, फिर नीचे ओवरी, ये ऐसा जो गोल सा पार्ट है, ठीक है। पेटल्स क्या होते हैं, फ्लावर, सेपल क्या होते हैं, ग्रीन वाले जो पत्तियां होती हैं वो, समझो यहाँ पे, यही मैंने बताया था। स्टेमेन कार्पल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन क्या है मेल, और फिर ये क्या है पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं इसको, ये क्या है फीमेल। अब समझो यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं फ्लावर, जैसे एग्जाम्पल पपाया या वाटरमेलन, जिसमें या तो स्टेमेन हो या तो कार्पल हो, देखो या तो सिर्फ ये हो मेल पार्ट या तो सिर्फ ये फीमेल पार्ट हो, तो क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। बट बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, जिसमें ये दोनों पार्ट हो, ठीक है, बाइसेक्सुअल जिसमें ये दोनों पार्ट हो, जैसे इस फ्लावर में है दोनों पार्ट, ये कौन सा एग्जाम्पल है हिबिस्कस, ठीक है। अब आओ नीचे एक बार इन सारे प्लांट्स को समझ लो, बट उसके पहले यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में जब भी लिखने को आएगा यार प्लीज गलती मत करना। यूनिसेक्सुअल क्या है, जिसमें इधर स्टेमेन और कार्पल हो, बाइसेक्सुअल में दोनों, हिबिस्कस एग्जांपल और मस्टर्ड एग्जांपल, इट कंटेन्स बोथ स्टेमेन एंड कार्पल, समझ गए इजी। चलो आओ नीचे आओ, यहां पर समझ लो पूरा प्रोसेस क्या है, क्या नहीं, पहले एक बार पार्ट समझ लो। ये है पॉलन ग्रेन, कहां से आया मेल पार्ट से आता है, ठीक है,
यह है स्टिग्मा, बताया ही था मैंने ये ऊपर वाला पार्ट। फिर पॉलन ट्यूब, ओवरी, फीमेल जर्म सेल, ये हम समझेंगे, पहले पार्ट्स एक बार ऊपर समझ लो। द सोयलेंट पार्ट इज ओवरी, अरे सोयलेंट पार्ट ये यार ये नीचे वाला, इतना बेसिक तो तुम्हें मालूम ही है, ठीक है, ये ओवरी। मिडिल इलांगेटेड पार्ट, ये लंबा वाला पार्ट, ये क्या स्टाइल है, ठीक है। अब द ओवरी कंटेंट्स ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल्स, और हर एक ओव्यूल में एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन टू अ न्यू प्लांट। क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी। देखो हो क्या रहा है, इसको हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल। देखो मान लो ये एक प्लांट का है अपना पार्ट, और एक दूसरा प्लांट लेते हैं। यहाँ पर मैं बताया था ना मेल पार्ट में क्या होता है, ये एक लाइन होती है फिलामेंट, और ऊपर होता है एंथर। तो इसी एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलता है, पॉलन ग्रेन ऐसे ट्रांसफर होता हुआ उड़ता हुआ आता है यहाँ पे फीमेल पार्ट पे, ये आ गया पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जब आता है तो यहाँ पे होता है कीमोट्रोपिज्म, जो हमने लास्ट चैप्टर 7 में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन, जिसकी मदद से ये पॉलन ट्यूब ऐसे ग्रो होती है। देखो ये ग्रो हो रही है, ये ग्रो होते 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 कहाँ पे आ जाएगी, अंदर यहाँ पे अटैच करेगी। और यहाँ पे क्या है, ये ही है मेन पार्ट ओवरी का, ओव्यूल, जिसके अंदर क्या है फीमेल जर्म सेल्स। तो यानी हुआ क्या, पॉलन ट्यूब में क्या था मेल जर्म सेल, यहाँ फीमेल जर्म सेल आपस में हो गए कंबाइन और बिल के बना दिया क्या जाइगोट। इस प्रोसेस को हमने बोला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, मेल और फीमेल जर्म सेल का कंबाइन हो जाना, जाइगोट बना देना, ठीक है। तो जाइगोट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। अब ये याद रखना कि ये जो मैंने यहाँ पे समझाया था कि इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, ये जो ट्रांसफर है, इफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर इन सेम फ्लावर, देखो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो बाइसेक्सुअल मान लो ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, जैसे ऊपर देखा था उसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो अपने ही फ्लावर में ऐसा ट्रांसफर हो गया तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर दूसरे में होता है तो वो होता है ट्रांसफर फ्रॉम अनदर फ्लावर, वो होता है क्या क्रॉस पॉलिनेशन। और कैसे ट्रांसफर होता है, कुछ एजेंट से, कभी हवा से, विंड, कभी वाटर से, तो कभी एनिमल से। कुछ एनिमल्स कभी गए प्लांट पे बैठ गए फ्लावर पे, वहां से ट्रांसफर कर दिया अगले पे। नाउ चलो आओ आगे आओ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल डेवलप कर जाता है टफ कोट और बन जाता है सीड। ओवरी ग्रो कर जाती है और बन जाती है फ्रूट। मीनवाइल जो पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा है, ये सब श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ये सब गिर जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। क्या, द सीड कंटेनिंग द फ्यूचर प्लांट ऑफ एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस नोन एज जर्मिनेशन। यहां पर देख लो, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे आएगा क्वेश्चन। ये जो प्लूम्यूल होता है, ये ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल, ये होता है फ्यूचर शूट, ये रेडिकल नीचे वाला प्लांट, ये होता है रेडिकल, फ्यूचर रूट, आगे जाके रूट बनता है, और ये कॉटिलेडन, ये फूड स्टोर करता है, ठीक है। नाउ आगे आओ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, आ गया तुम्हारा फेवरेट टॉपिक। अब कुछ चेंजेस तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो कॉमन होते हैं एडोलसेंस में, मेल्स में, फीमेल्स में। जैसे मेल्स में हेयर ग्रो होना, स्किन फ्रीक्वेंटली ऑयली बन जाना, वॉइस डीप हो जाना, ठीक है। फिर गर्ल्स में आ जाओ, हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइस, स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली, वही सारे चेंजेस है, ब्रेस्ट साइज बिगन्स टू इंक्रीज एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल्स एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट। यानी ये सारे पॉइंट्स स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, आ सकता है लिखने को, ये सिंपल है यार, जो सबको पता है। नाउ नीचे आओ तुरंत से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जल्दी बताओ क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। है सबसे पहला पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, टेस्टिस, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है यार, अपना तुम्हारा पूरा एरिया, चेस्ट, चेस्ट वाला एरिया और स्टमक वाला एरिया, इसके बाहर होता है स्कॉटम में क्या, टेस्टिस, ठीक है। क्यों बाहर होता है एब्डोमिनल कैविटी के स्कॉटम में, क्योंकि एक लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए देन द नॉर्मल बॉडी, ठीक है। अब यहां पर एक बार समझाया गया है पाथवे की, कैसे स्पर्म बनता कहां है, टेस्टिस में, तो हम समझ गए, बट कैसे ट्रांसफर होता है फीमेल बॉडी में, कैसे पूरा सब कुछ होता है, ये हम यहां पर देखते हैं। देखो ये है, जल्दी देखो ध्यान से, ये है क्या, ये है टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। अब ये स्कॉटम में है, पाउच में, फिर ये देखो टेस्टिस में मान लो स्पर्म बन रहे हैं, यहां पर स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे। अब ये स्पर्म ट्रांसफर कैसे होंगे, ये आएगा वास डिफरेंस में, ये जो पाइप दिख रही है ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये पाइप देखो तुम अटैच है किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड से और सेमिनल वेसिकल से, तो ये दोनों अपनी सिक्रीशन डालते हैं, फिर ये नीचे आया यूरेथ्रा के थ्रू, नीचे पेनिस से एक्सक्रीट होगा, ठीक है, सीमेन या स्पर्म। यहां पर देखो मैंने तुम्हारे लिख दिया है, ये देखो टेस्टिस, ये कहां पर होता है, इनसाइड स्कॉटम, प्रोड्यूस करता है स्पर्म,
फिर टेस्टिस पंप कहाँ आता है, वास डिफरेंस में, फिर कहाँ आता है, यूरेथ्रा में। अरे वास डिफरेंस से ये पाइप से, देखो ये पाइप से कहाँ आ रहा है, डायरेक्ट यूरेथ्रा में ही तो आ रहा है, ठीक है। और यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पम्स, बट वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा तक आते वक्त सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों ने अपने सिक्रीशन डाले, जो हेल्प करते हैं मोटिलिटी में यानी मूवमेंट में, और न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। और यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, समझ गए। अब आओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, यहां पर ध्यान से देखो, द फीमेल जर्म सेल आर प्रोड्यूस्ड इन व्हाट, ओवरीज। और हॉर्मोन्स, वहां पे हॉर्मोन क्या था अपना इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन। यहां पे हॉर्मोन कौन कौन से हैं, ओस्ट्रोजन, ओ से ओस्ट्रोजन और पी से प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दो हॉर्मोन्स रहेंगे। यहां पर समझो एक एक चीज, यहां पर पहले इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, ये क्या होता है ना, ये हम लोग ने ड्रॉ की है एक ओवरी, फॉर एन एग्जाम्पल ओवरी, ठीक है। अब बर्थ के टाइम पे देखो, बर्थ के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स होती हैं। जब भी एक गर्ल चाइल्ड बर्थ लेती है, जब भी एक लड़की पैदा होती है, तो उसमें थाउजेंड ऑफ इमैच्योर एग्स होते हैं, बट ये सारे इमैच्योर पड़े होते हैं छोटे छोटे, ये देखो। और ये मैच्योर कब होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे, ये मैच्योर कब होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे, ओवरी के अंदर ही हो रहा है ये सब कुछ। और फिर एवरी मंथ जब प्यूबर्टी स्ट्रक होती है, जब क्या स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो हर मंथ एक एग हर मंथ रिलीज किया जाता है ओवरी से। कहां रिलीज होता है, वो पाथवे क्या है, जैसे हमने स्पर्म का पाथवे देखा, इसका पाथवे देखो, ये था ओवरी, ठीक है, ओवरी में बना, फिर रिलीज कैसे होगा, फलोपियन ट्यूब से, यहां है ओवरी, यहां पर मान लो ये एक्सेल बनी, फिर ये ऐसे ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब से आएगी यहां पर, यहां पर ये जो पार्ट में आई इसको क्या बोलते हैं, यूटरस, फिर नीचे आया सर्विक्स में, और सर्विक्स से नीचे वजाइना, ठीक है, समझो। अब यहां पर नीचे समझते हैं, व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ओवरी इज ऑलरेडी कंटेंट थाउजेंड ऑफ इमैच्योर, वही सब जो मैंने ऊपर समझाया। यहां पर समझें इंटरकोर्स के दौरान होता क्या है, मतलब कि ये जो स्पर्म बनाया मेल ने, फीमेल ने बनाया एग या ओवम, ये सब मिलते कैसे हैं, तो द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या होता है, जो वेजाइनल पैसेज यहां पर डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा पैसेज, यहां से स्पर्म्स एंट्री लेते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और ये ऊपर जाते हैं, दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे एनकाउंटर द एग। अब याद रखना कि कहां पर ये एनकाउंटर होता है, ये पूछा जाता है कि कहां पर मेल और फीमेल जर्म सेल यानी स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो याद रखना यहां से स्पर्म एंटर किए और ये ओविडक्ट में मिलते हैं, ओविडक्ट में, ये यहां पर मिलते हैं, ठीक है, कहां पे, इस एरिया में मैक्सिमम पॉइंट यही रहता है, मैक्सिमम चांसेस कि ये ओविडक्ट में मिलेंगे, स्पर्म्स ऊपर तक अपना पूरा ट्रेवल खुद से करके जाएंगे और ओविडक्ट में मिलेंगे, रीच द ओविडक्ट यानी फलोपियन ट्यूब वेयर दे में एनकाउंटर द एग द फर्टिलाइज्ड एग। अब जब ओविडक्ट में ये एग था, इसमें स्पर्म आके मिल गए, तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन लाइनिंग ऑफ यूटरस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अब जाइगोट क्या है, ये देखो स्पर्म और ओवम आपस में जब मिलते हैं, इस प्रोसेस को बोला गया फर्टिलाइजेशन, आगे ये सेल बन जाती है जाइगोट, यानी जिसमें स्पर्म भी है ओवम भी है, फिर ये डिवाइड होते 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 8 सेल का बन जाता है मोरूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, और फिर यही बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आगे जान के बनता है लिटिल बेबी, समझ गए, आगे आओ, क्या मतलब, आओ फिर से डायग्राम पे ही समझो। जब यहां पर ये फर्टिलाइज हो गया, तो अब ये फर्टिलाइज्ड एग, अब ये फर्टिलाइज हो गया, तो मैं इसको दिखा रहा हूं ग्रीन से, अब ये ग्रीन वाला आ जाएगा यहां और यूट्रस में ऐसा इम्बेड हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर इम्बेड हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज्ड एग के लिए, जाइगोट को रखने के लिए, कैसे प्रिपेयर करता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है थिक हो जाती है और रिचली सप्लाइड विथ ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो जाइगोट आ गया उसके लिए ये अपनी लाइनिंग थिक कर लेता है यूट्रस वाला पार्ट, और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ताकि जो जाइगोट बना है इसको न्यूट्रिशन दिया जाए, नरिशमेंट किया जाए ताकि ये ग्रो कर सके। नाउ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है, वही जाइगोट, अब एम्ब्रियो कहला रहा है, एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। नाउ ये क्या है, हर एक चीज समझ रहे हैं यार, इधर देखो डायग्राम क्या है, इस डायग्राम में ये है मदर बॉडी, ये पूरी, ये पूरा फिगर जो है ये मदर बॉडी है, ठीक है, और ये है बेबी, ये देखो मदर बॉडी के अंदर बेबी है, अब ये है प्लेसेंटा, ये ऐसा देखो डिस्क टाइप का है, डिस्क टाइप का है मदर बॉडी के साइड पे प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा एक परमानेंट नहीं, ये एक टेम्पररी टिश्यू होती है जो कुछ हॉर्मोन्स भी बनाती है, ठीक है, ये हो गया प्लेसेंटा, और ये अटैच है बेबी ब्लड वेसल से, ठीक है, ये अटैच्ड है बेबी, यहाँ पर ये क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो ये बेबी अटैच जो है यहाँ पर ब्लड एक्सचेंज होता है, मदर के ही ब्लड से ये न्यूट्रिशन लेता है और अपना वेस्ट भी ट्रांसफर कर देता है प्लेसेंटा के थ्रू मदर ब्लड में ही, ठीक है, समझ गए, आओ इधर आओ,
देखो क्या लिखा है प्लेसेंटा के बारे में, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। हमने देखा है डिस्क तरीके होता है। इट कंटेंट्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, विलाई प्रेजेंट होती है। हमने देखा था जैसे कहां पे था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस तरह की विलाई स्क्रीन पे देख लो, इस तरह की चीज होती है। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस, मदर साइड पे ब्लड स्पेसेस हैं विच सराउंड द विलाई। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सर्फेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। यहाँ से न्यूट्रिशन भी ट्रांसफर होगा और वेस्ट मटेरियल भी प्लेसेंटा से ही ट्रांसफर होगा। अप्रॉक्सीमेटली 9 months लगता है कंप्लीट डेवलपमेंट में एक बेबी के, और द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन यूट्रस। मसल्स जो होती हैं यूट्रस में, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक चाइल्ड बॉर्न होता है एक्सपेल होकर। चलो आगे आओ, ये तो हमने समझ लिया पूरा प्रोसेस कि ओवरी में कैसे क्या हो रहा है। एग निकल रहा है, फिर फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, फिर वही जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बन रहा है। बट अगर मान लो कि एग जो है वो फर्टिलाइज्ड ही ना हो पाए तो क्या होगा? देखो हमने ये देखा कि ओवरी में से हर मंथ एवरी मंथ एक एग तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। ये ओवरी थी, ओवरी से फलोपियन ट्यूब में जाएगा और यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस हर अपने ओविडक्ट में, यहां से आएगा यूट्रस में आएगा, तो यूट्रस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। क्या दिखाया गया है? लाइनिंग जो है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ये हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करेगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एग ब्लड के फॉर्म में निकल जाएगा, पास थ्रू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये यूट्रस मैंने बनाया था, समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो आ जाओ, देखो इट लिव्स फॉर अबाउट वन डे, एग इज नॉट फर्टिलाइज। अगर एग फर्टिलाइज नहीं है तो एक दिन तक जिंदा रहेगा। और नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड, लाइनिंग तो मतलब कि लाइनिंग जो थी, जो थिक लाइनिंग बनी थी यूट्रस की, ये तो प्रिपेयर हो चुकी थी, बट ये जरूरी नहीं है। तो ये पूरी थिक लाइनिंग बाहर आ जाएगी, और ये लाइनिंग था क्या, ब्लड वेसल्स वगैरह। तो ब्लड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू ये ब्लड एंड म्यूकस बाहर आएगा, जिसको हर मंथ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इट लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। ओके नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो एक सेक्सुअल एक्ट बहुत इंटीमेट एक्ट है, ठीक है, बहुत इंटीमेट एक्ट है, कनेक्शन होता है बॉडीज का। तो अब सरप्राइजिंग तो नहीं है कि इसमें डिजीज नहीं होंगी। डिजीज होती हैं, कौन कौन से टाइप की, कौन कौन सा नाम है, गनोरिया, सिफाइलिस और एचआईवी एड्स। ये एक वायरल इन्फेक्शन है एचआईवी एड्स, और ये दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गनोरिया और सिफाइलिस, पूछा जा सकता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? देखो मैकेनिकल तरीका क्या है, यानी फिजिकल तरीका, एक बैरियर कवर कर लो पीनिस पे, पीनिस से ही अपने पेनिस से ही निकलता है स्पर्म, उस पर अगर हमें कवरिंग चढ़ा दें, ठीक है, आउटर कवरिंग चढ़ा दें कि स्पर्म बाहर निकल ही ना पाए, वजाइना में निकल ही ना पाए, पहुंचेगा ही नहीं तो फ्यूजन होगा ही नहीं। तो इसलिए यूज करते हैं प्लास्टिक कवरिंग कॉन्डम। नाउ अगला क्या है, अगला क्या है जो हम बात कर रहे थे, ये देखो मैकेनिकल बैरियर जो मैं समझा रहा था, मैकेनिकल बैरियर, कॉन्डम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉरेन वजाइना, वजाइना के लिए भी ऐसी चीजें होती हैं। बट अगली चीज है, सेकंड तरीका, हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देना। हार्मोनल बैलेंस ही चेंज कर दो कि एग्स ही ना रिलीज हो तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। जब एग्स ही नहीं रिलीज करेगी ओवरी तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं है, स्पर्म भेजते रहो तुम, नो इश्यूज। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए ड्रग्स होते हैं जो ओरली लिए जाते हैं, बट ये हार्मोनल बैलेंस चेंज करते हैं, इसलिए साइड इफेक्ट्स इनके काफी ज्यादा होते हैं। यार इतनी सारी चीजें मैंने अंडरलाइन कर ली है, आई होप तुम समझ रहे होगे कि दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। बात तो सही है। अब पहला देखा मैकेनिकल, दूसरा देखा ओरल जिसमें हार्मोनल बैलेंस चेंज हो रहा है, तीसरा क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तीसरे कौन से हैं, ये कॉपर टी, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर कॉपर टी रख दो जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं ड्यू टू इरिटेशन इन द यूट्रस। अब इतना कुछ हमने देख लिया, ये चार मेथड्स, पांचवा मेथड सबसे इंपॉर्टेंट समझो क्या है, सर्जिकल मेथड। ये डायग्राम से मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, ऊपर आने दो, ऊपर ऊपर ऊपर, ये रहा मेल डायग्राम। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, तो ये मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि डायग्राम से। डायग्राम में देखो ये जो वास्ट डिफरेंस है, हमने देखा था कि स्पर्म यहां पर बनता है ये टेस्टिस में, और जाता कैसे, वास्ट डिफरेंस है, बट ये यहां पर रास्ते अगर हम ब्लॉक कर दें वास्ट डिफरेंस का तो स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो इंटरकोर्स के दौरान जब फ्यूजन ही नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, प्रिवेंट हो गया प्रेगनेंसी। फिर यहां पर भी इसी तरह का अगर हम देखें, यहां पर क्या है, यहां पर बनता है एग्स और इधर से आता है, ठीक है, इस फलोपियन ट्यूब से आता है, तो इस ट्यूब को ही यहां पर भी ब्लॉक कर दें तो यहां पर नहीं आएगा एग, तो इंटरकोर्स के दौरान फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन को ही हमें प्रिवेंट करना है स्पर्म का और ओवम का, ठीक है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। और वही तरीका है अपना सर्जिकल मेथड, क्या कि वहां पर नीचाओ नीचाओ, ये देखो कि हमने
इफ वास्ट डिफरेंस इन मेल इज ब्लॉक, मेल में ब्लॉक कर दो स्पर्म ट्रांसफर रुक जाएगा, और फीमेल में फलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दो, इसको सर्जिकल मेथड बोलते हैं। वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ, ये सेफ है लॉन्ग रन में, बट सर्जरी के अपने इन्फेक्शन और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर सही से नहीं सर्जरी कराई गई। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस क्या होता है। फीमेल फीटस यानी कि बच्चा, छोटा सा बच्चा जो आगे बड़ा पूरा चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड बनने वाला है, उसका सिलेक्टिव अबॉर्शन करा देते हैं। कई लोग पहले से क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि बेबी जो हमारा होने वाला है उसका सेक्स क्या है, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन, जो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, मना कर रखा है, फिर भी लोग कराते हैं, और अगर वो फीमेल होता है तो उसका सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करा देते हैं। अबॉर्शन यानी कि उस प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं होने देते हैं, जो बहुत इलीगल है, बहुत गलत है, इसकी वजह से चाइल्ड का सेक्स रेशियो बिगड़ रहा है हमारे कंट्री में। नाउ आगे आ जाओ, ये सारे हमने कर लिए कंप्लीट हर एक चीज, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लेना। और इस तरह से आ सकता है कि व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स भी आ सकता है और बॉयज भी आ सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। आई होप ये चैप्टर तुम्हें समझ आ गया होगा। बाकी सब कुछ डिटेल में पढ़ने के लिए नोट्स डाउनलोड कर लो, क्विज देकर आओ, टाइमर वाला क्विज अपने पढ़ लक्ष्य ऐप पर डला हुआ है, वर्कशीट है, सैंपल पेपर है, सब कुछ है, तो क्या करना है, नोटिफिकेशन छेड़ दे एंड फिर जाना, जा पढ़ ले।